हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो लेके आ गए हम स्पाइडर में वापिस। कैसे हम लोग लैपटॉप पीसी या कंप्यूटर में चलाए, तो आइए देखते हैं इसकी सेटिंग कैसे किया जाए, जिससे आपको लो ग्राफिक्स कार्ड में भी चल जाएगा, विथआउट ग्राफिक्स कार्ड में भी चलेगा। सो देख सकते हो दोस्तों, एकदम ध्यान से इसी तरह से सेटिंग करना, तो शायद आपका एक बार गेम चल सके। मेरा तो गेम चल चुका है, अब आपकी बारी है। तो ध्यान से इस सेटिंग को देख लो। सो अब हम आपको झूम करके भी दिखाएंगे किस तरह से सेटिंग करना है। तो वेरी लो को जगह लो पे कर डालो, आपके पीसी में सेटिंग में जाके लो पे कर डालो, लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स में जाके तब लो करना, डायरेक्टली नहीं। जैसा जैसा दिखा रहा हूँ वैसा वैसा कर डालो दोस्तों, गेम चालू हो जाएगी। सो आपको SSAD दिख रहा है, उसको क्लिक करो। उसको ऑफ या HBO प्लस पे हो तो SSD पे कर दो। मैंने पहले से सेटिंग की रखी है, तो उसी प्रकार से आप भी सेटिंग करके रख दो, आपका गेम चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपने अंदर की जो ग्राफिक्स कार्ड है, जो पहले से जो कंपनी की तरफ से आती है, उसको आप एक बार अपडेट कर देना, तभी ये गेम चलेगी अच्छे तरह से प्रॉपरली। तो दोस्तों अब हम आपको चालू करके दिखाते हैं इस गेम को। काफ़ी शानदार गेम है, आपको खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो हमने स्टार्ट कर दिया है, ऑसम चालू हो गई है भाई, देख सकते हो आप। सो दोस्तों हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है गेम को खेलने के लिए। तो गाइस मार्वल का लोगो आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा मार्वल स्पाइडरमैन चालू हो चुकी है, मकड़ी का चाल फेंकने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ इसका गेम प्ले कैसा होगा। काफ़ी शानदार है, मैंने तो पहले खेल चुकी है, और आपको इसका कैरेक्टर भी दिखा देता हूँ। मैंने ये कैरेक्टर चॉइस किया है पहले से, आप भी चॉइस कर सकते हैं अपने गेम लोगों में जाके। सो ये गेम आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में करके बताओ। आओ और इस स्पाइडरमैन में हम आपके लिए कौन सी वीडियो बनाएं, कमेंट में बताओ, उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।